सनी, सबके पास सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एआई कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो हम सभी जानते हैं, समझते हैं। जो रिपोर्ट अभी हमने देखी, हमने समझने की कोशिश की कि डीप फेक टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डीप है। आप मुझे जरा टेक्निकली इसको समझाने की कोशिश कीजिए कि कितनी इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो इसको कैसे समझा जाए और किस लेवल तक ये डेंजरस है, जो नया मामला सामने आया है कोझिकोड से। देखिए, बेसिकली एक टर्म होती है, हम उसे कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा। एक टर्म होती है मशीन लर्निंग, अगर हम टेक्निकली जाएं। फिर एक टर्म होती है GAN। तो बेसिकली जो एग्जैक्ट एल्गोरिथम्स जो ये यूज कर रहे हैं, जो डीप फेक्स हैं, ये GAN मॉडल्स यूज कर रहे हैं। तो ये एक टाइप ऑफ जनरेटिव मॉडल्स हैं। अब हम ज्यादा टेक्निकली जाएंगे, उसे एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करेंगे तो पब्लिकली यूजफुल नहीं होगा। लेकिन इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम एक मॉडल तैयार करते हैं जिसमें हम बहुत सारे बंदों के फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, बहुत सारे देते जा रहे हैं उसे फेशियल एक्सप्रेशन, जिससे वो जो हमारा मॉडल है वो खुद सीखने की कोशिश कर रहा है कि एक ह्यूमन का 3D मॉडल दिखता कैसा है और उसका फेशियल एक्सप्रेशन होता कैसा है। तो जब वो पूरा वेल ट्रेंड हो गया, फिर अगर हम उसे सिर्फ एक फोटो देंगे एक बंदे की और एक पार्टिकुलर वीडियो देंगे, तो वो उस बंदे के फेस को उस वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। लाइक कि मैं अपनी अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं ओबामा जी की या किसी की भी, मोदी जी की कोई वीडियो देता हूँ, तो सॉरी एक फोटो देता हूँ जस्ट, तो वो उस फोटो को मेरी जगह, मेरे फेस की जगह क्रॉप कर देगा और पूरी मेरी ये वीडियो यूं की यूं रिपीट हो जाएगी उनकी फोटो में। मतलब हमें लगा कि वो बोल रहे हैं ये सब। तो ये ऐसे डीप फेक काम करता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए हैं प्ले स्टोर पे, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा कुछ का, तो कुछ का बहुत ज्यादा अभी मिसयूज चल रहा है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनसे डीप फेक अभी बनाए जा रहे हैं। वैसे तो डीप फेक कुछ अच्छे के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे के लिए ही बनाया जाता है जनरली इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो आप देखेंगे जैसे मूवी है स्टार वॉर्स, उन्होंने डीप फेक कितने अच्छे से यूज किया है। और बहुत सारी मूवीज हैं जो अभी बैक टू बैक डीप फेक यूज कर रही है चीजों को बेटर करने के लिए। लेकिन इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। अभी एक सर्वे आया था जिसमें देखा गया था कि अराउंड जो 96% जो वीडियोस डीप फेक से बनाई गई हैं वो सिर्फ एडल्ट पोर्न वीडियोस हैं। तो इतना अभी मार्केट में इतना बुरा हुआ चल रहा है। सनी, आप बताइए कि अगर ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो क्या इसके लिए पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? आपने मशीन लर्निंग की बात की, आपने और कई तरह के कोर्सेज की बात की, क्या इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है कोई, या फिर ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है? कहीं से भी ऐप का इस्तेमाल किया और उससे किसी को कॉल लगा दिया गया, इसके लिए क्या करते हैं लोग? देखिए, एग्जैक्टली जैसे अभी डिटेक्शन की भी बात हो रही थी, अभी जो करंटली चल रहा है, अगर हम देखें जो GAN एल्गोरिथम में डीप फेक के लिए जो आई ब्लिंक्स होती हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती हैं जितनी हमारी ह्यूमंस की हैं। ये आप नोट करेंगे, जहां पर भी आप देखेंगे कि अगर आपको लाइव डिटेक्ट करना है किसी भी डीप फेक को, तो आप अगर आईज के मूवमेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो जाएगा कि वो इंसानों जैसी वो टच नहीं आती है। या तो वो जरूरत से ज्यादा ब्लिंक कर रहा होता है, या वो ब्लिंक कर ही नहीं रहा होता है, या वो उसका वे ही अलग होता है थोड़ा। ऐसे कुछ आप सैंपल्स देख भी सकते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी डीप फेक के डाउनलोड करके। तो अब होता क्या है कि इसकी जो ट्रेनिंग है वो ऑब्वियसली वही ट्रेनिंग है जो इंडस्ट्री में हम डीप लर्निंग के लिए ट्रेनिंग्स देते आए थे। अब हो गया है क्या है कि जो स्कैमर्स हैं वो स्कैमर्स ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, वो सिर्फ कुछ एप्स डालते हैं जो जिसमें ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल्स हैं ह्यूमंस का फेक क्रिएट करने के लिए। उन एप्स में ऑलरेडी ट्रेंड है, वो सिर्फ कुछ लोगों की इमेजेस देते हैं। मान लीजिए मैं हूं, ने मुझे स्कैम करना है, तो मेरे किसी फ्रेंड की फोटो उसे देंगे, कोई और वीडियो होगी, उस वीडियो में उसकी उसका फेस आ जाएगा, राइट? और उस वीडियो को लाइव प्ले कर देंगे जब मैं वो कॉल पिक करूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो ये वो करते हैं, और इसके लिए उन्हें कुछ ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, उन्हें बस कुछ एप्स की नॉलेज की जरूरत है जो मतलब स्कैमर्स कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो वो एप्स बना रहे हैं, जो मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको काफी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अच्छा सनी, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जब हम अपना किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें हमसे परमिशंस मांगी जाती हैं कि आपके कॉल लॉग्स जो है देख पाएगा, या आपके मैसेजेस रीड कर पाएगा। क्या ऐसी ऐप्स को परमिशन देनी चाहिए, चाहे वो ऐप कितनी भी ऑथेंटिक हो, क्योंकि एक्चुअली में डेटा तो वहीं से लीक होता है? हाँ जी, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक तो अभी हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल भी आ रहा है, वो ये कहता है डाटा प्रोटेक्शन बिल की आप ये जो डाटा का जो कंसेंट है वो इस टाइप से बनाया गया उसमें कि जो डाटा आपके लिए जरूरी है, मान लीजिए आपने एक कैम स्कैनर अभी डाउनलोड किया, तो कैम स्कैनर को कायदे से आपकी करंट लोकेशन की जरूरत नहीं है, और उसको आपके से की उसको कुछ ज्यादातर को आपके कॉन्टेक्ट की जरूरत भी नहीं होती, राइट?
तो ऐसे बहुत सारे लोग परमिशन होते हैं जो वो जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तो वो ना ले, वो आपके कंटेक्ट ना ले। ये आप लोन एप्स देख रहे हैं, कायदे से लोन एप्स को आपका सिविल स्कोर लेना चाहिए, दूसरे स्कोर लेना चाहिए, लेकिन आपके कंटेक्ट ले लेते हैं, या आपकी इमेजेस तक ले लेते हैं, पूरी गैलरी ले लेते हैं, फिर बाद में लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो इन चीजों के अगेंस्ट ही डाटा प्रोटेक्शन बिल बनाया गया। और हाँ, बात आई परमिशन की, ऑब्वियसली जब भी कोई भी ऐप हमसे कुछ भी परमिशन मांगता है, हमें उसे वो परमिशन नहीं देनी होती बिल्कुल भी, अगर हमें लगता है कि इसका ये काम नहीं है इस ऐप का। और फिर जी अगर वही बात आ जाती है, कुछ ऐप्स के साथ दिक्कत होती है कि वो वर्क ही नहीं करेंगे अगर उन्हें आप वो पार्टिकुलर परमिशन नहीं दोगे, जी तो आप वो ऐप रहने ही दीजिए, कोई अल्टरनेटिव ऐप ढूंढ लीजिए। फ्यूचर में जब डाटा प्रोटेक्शन बिल लागू हो जाएगा, तो होगा क्या कि जो ये ऐप है जो आपको फोर्स कर रहे हैं पार्टिकुलर परमिशन के लिए, जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए अपने डाटा प्रोसेसिंग के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, वो इस टाइप के ऐप प्रोबेबली हमें देखने को नहीं मिलने चाहिए एज पर जी द